नमस्कार। जिस तरीके से मनीषा कांड पूरे भारत के अंदर नागरिक एक एक नागरिक जिस समय अपनी आवाज़ को लेकर गूंज रहा है, उन अपराधियों को एक फांसी की सज़ा हर व्यक्ति के जवान पर है कि उन अपराधियों को फांसी की सज़ा हो। अब बात यह है कि फास्ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कैसे मनीषा बच्ची को न्याय मिलेगा, तो इसी बीच में हमारे बीच में झांसी के गरौठा विधायक, पूर्व गरौठा विधायक श्री दीपनारायण सिंह की मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से फास्ट्रैक कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलेगा, कि आखिरकार क्या निर्भया कांड जैसा यही मामला तो नहीं चला जाएगा। अधिक जानकारी के लिए पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह जी। देखा जाए सबसे ज़्यादा आपकी टीम और आपकी पार्टी झांसी जिले में क्या सभी जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश के एक कठोर निंदा कर रही है मनीषा कांड को लेकर, आपका क्या कहना है कि फास्ट्रैक कोर्ट के माध्यम से क्या मनीषा को न्याय मिल पाएगा? सबसे पहले ये घटना दुखद है, शर्मनाक है। सरकार में बैठे लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे। लगातार घटनाओं पर घटना होती चली जा रही है, हमारी बहन बेटियों की अबू की हिफाजत नहीं हो पा रही है, उनकी जान ली जा रही है। तो सबसे पहला तो मेरा यही है कि प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार को एक निर्देश देना चाहिए कि घटनाएँ कैसे रुकें, इस पर एक गंभीर चिंतन करके व्यवस्था बने। दूसरा है उस घटना के प्रति संवेदनाएँ किस रूप में प्रकट हों। सबसे पहले प्रारंभिक न्याय है कि कार्रवाई FIR होती, तुरंत कार्रवाई हो। कार्रवाई पर लोगों ने जैसा दिखाया जा रहा कि ये कहने की कोशिश हो रही कि हम फास्ट्रैक से न्याय देंगे, हमारा ये कहना है कि तत्कालिक जो लोग गिरफ्तार हैं वो, ये तो न्यायालय का विषय है, आप तत्कालिक कठोर कार्रवाई करके ये मैसेज दें कि इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार बहुत सख्त है, और आगे ये कार्रवाई इस तरह घटनाएँ ना हों इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की क्या नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, क्या इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, वो जनता के बीच में स्पष्ट है। दूसरी तरफ आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि वो वहाँ रोक लगी है लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा उस परिवार से। आखिर ऐसा क्या है कि जिससे इतनी डर रही है सरकार? क्या घर वाले कोई बात अगर बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, मीडिया को बताना चाहते हैं, तो उसे नहीं बताया जाना चाहिए क्या? एक तरफ आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की बातें करते हैं, वहीं दूसरा जो पत्रकारिता, ये चौथा स्तंभ है, ये बराबर की व्यवस्था को देने वाला एक स्तंभ है जो संविधान ने जिसको बहुत सारे विकार अपने प्रदत्त किए हैं, उसे आप रोक नहीं सकते। प्रशासनिक एक अधिकारी एक तत्व उस तंत्र को रोक रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं प्रेस नहीं जाएगी, तो ये तो कहीं ना कहीं संविधान पर हमला है, ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। आखिर उसको छुपाने की कोशिश करके आप लोगों के मन में और संशय पैदा कर रहे हैं, जबकि जाने दीजिए, लोगों को मिलने दीजिए, बात कहने दीजिए, और जो कमियां कमजोरियां हैं उसको सामने आने दीजिए, सिस्टम ठीक कर सके सिस्टम को। कल की घटना और विधायक जी देखा जाए, एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और बलरामपुर जिले के अंदर एक हादसा और हो गया, उस बच्ची को इंजेक्शन दिया गया, पैर काट दिए गए, ये हादसा फिर हुआ। वही अगर आप समाचार पत्र खोलते हैं, टीवी न्यूज खोलते हैं या सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि प्रदेश में कोई ना कोई घटना हर 24 घंटे में घट रही है, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं नई घटना देखने को सामने आ रही है, तब मैं कह सकता हूँ कि सरकार का जो इकबाल था, लोग जिस तरह की बातें कर रहे थे कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, पर वो दिख नहीं रहा ज़मीन पर। लोगों के जो हौसले हैं बड़े अपराधियों के हौसले बड़े हुए हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो दिखावे की लड़ाई है वो नहीं हो, बल्कि व्यवहारिक लड़ाई हो, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी बने, प्रशासनिक अधिकारियों को पाबंद फ्री करे सरकार, कि कम से कम दूसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मैं कह सकता हूँ कि आप उसको पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं, आप अपनी पुलिस को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं कि आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, ये तय करना सरकार के हाथ में है। अगर सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पर बहुत सक्षम अधिकारी हैं, बहुत सक्षम पुलिस है हमारे प्रदेश की, अगर उसे निष्पक्ष काम करने का मौका मिले तो अंकुश लग सकता है। मेरा जी देखा जाए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या फैसला आया कि आप वहाँ जाएंगे हाथरस जिले के अंदर उस बच्ची को? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर पल एक ही घटना पर नजर रखते हैं, आप देख रहे होंगे ऐसा कोई दिन नहीं है जब समाजवादी पार्टी उस बेटी के लिए न्याय देने की लड़ाई में लड़ रही हो। आज भी 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती थी, पूरे प्रदेश के लोगों ने हर जनपद मुख्यालय पर गांधी प्रतिमा के नीचे मौन धारण करके आज ये मैसेज दिया है कि हम गांधी के मानने वाले, गांधी को अपनाने वाले लोग हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप इस पर इसको गंभीरता से लें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना समाजवादी पार्टी लड़ेगी।